तरफ से फाइल नहीं हुई पिछली डेट के बाद। हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने ये बात कही थी कि वो अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे जो कि ऑर्डर में रिकॉर्डेड है 22 फरवरी के, मगर ऐसी कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई। हमको उम्मीद थी कि जो गाइडलाइंस हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ करने वाला जो ऑर्डर है डीडीएमए का 26 फरवरी का वो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉर्ड पर आएगा, मगर उन्होंने वो करा नहीं है, इसलिए वो हमको लाने के लिए आदेश कर। वो पिछली मरतबा जब डेल्टा वायरस था जो कि ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा फेटल है, वो हम सब लोग जानते हैं उसमें क्या हालत हुई थी, बट अभी क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस के बारे में ये बिल्कुल आम सहमति है कि वो इतना ज्यादा फेटल नहीं है, इतना जानलेवा नहीं है, और जब सब कुछ खोला जा चुका है, सारे धार्मिक स्थल जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट होगा वही इस मस्जिद के साथ हो, कोई इसके अंदर हम स्पेशल नहीं मांग रहे, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो इक्वालिटी हमारे हमको भी दी जाए, इक्वल ट्रीटमेंट हमको भी दिया जाए। एक ऑफर भी जो दिया है आज उन्होंने कि 50 लोगों को दे सकते हैं, वो ऑफर वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछली मरतबा जब डेल्टा वायरस था तो वो इन्होंने बात कही थी, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफर ये आया था, वो तब हमने माना था क्योंकि तब डीडीएमए की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस थी, अभी जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो विड्रॉ हो चुकी, तो इसलिए हमको वो जो ऑफर है वो मान्य था। जब ये सबमिशन ऑलरेडी हो चुका है कि डीडीएमए की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मस्जिद को खोला जा सकता है, तो जो बाकी धार्मिक स्थलों के लिए ट्रीटमेंट है वही हमको भी दिया जाए, और क्योंकि सारी रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ करा जा चुका है इसलिए मस्जिद को बंद करके रखने का कोई औचित्य नहीं है। काबिल अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये मौका दिया है कि वो 26 फरवरी 2022 की डीडीएमए की जो गाइडलाइंस है, जो ऑर्डर है रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ करने का, उसको रिकॉर्ड पर लाए और इस पर्पस के लिए 11 मार्च की नेक्स्ट डेट दी गई।